बच्चों मैं शैली उबलीकर और आज हम लोग इतने जा रहे हैं इंग्लिश ऐसे माय कंट्री। तो भी बहुत सारे बच्चे आए मेरे पास कि टीचर हमारे यहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं तो हमारे लिए आप ऐसेज लिखकर दीजिए। तो भाई मेरे बच्चे कहे और शैली उबलीकर ना करें, ऐसे कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है क्या? नहीं। तो अभी हम लोग लिखने वाले हैं माय कंट्री के ऊपर इंग्लिश ऐसे। तो ऐसे राइटिंग करते समय कौन से बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए वो मैं तुम लोगों को ऐसे लिखते लिखते बताने वाली हूँ, क्योंकि यही सारे सिली मिस्टेक्स तुम लोग करते हो और फिर तुम लोगों के मार्क्स जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो जो भी मैं तुम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसे तुम लोगों को बराबर फॉलो भी करना है और बुक और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिएगा। ओके, तो ऐसे लिख रहे हैं हम लोग माई कंट्री। माई कंट्री, कंट्री यानी क्या? हमारा देश। ओके, मेरा देश कौन सा है? वह हमारा देश इंडिया, भारत। ठीक है, तो अभी इंडिया के बारे में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अभी माय कंट्री तो इंडिया है क्या? नहीं, अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडिया लिखेंगे। तो इंडिया इज माय कंट्री, CONTRY। स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग्स लिखने में गलतियां मत कीजिए। ओके, इंडिया इज, या फिर हर बार इंडिया इंडिया भी अगर नहीं लिखना है ना तो इट इज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल कंट्री, CONTRY। अभी जितनी बार भी बच्चे लोग कंट्री कंट्री लिखते हैं ना तो वो लोग सी कैपिटल करते हैं, तो उसको कैपिटल नहीं करना है। कैपिटल लेटर सिर्फ हम लोग नाउन को देते हैं। ठीक है, तो जो भी नाउन तुम लोग लिखोगे तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। आई जब लिखते हैं तो वो कैपिटल में ही लिखा जाता है। कंट्री एंड फेमस, FAMOUS, फेमस यानी प्रसिद्ध, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिक, UNIQUE, यूनिक यानी अनोखा। ओके, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, TRADITIONS, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। कल्चर यानी संस्कृति और ट्रेडिशंस यानी हमारी जो परंपराएं चलती आ रही है वो, तो उसके लिए हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही फेमस है सारी दुनिया में। जितना कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन हमारे देश में है वो कहाँ पर भी नहीं है सारी दुनिया में। ओके, तो ये भी हम लोग को पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, तो अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन क्या है? ठीक है, तो वो भी मेंशन करेंगे हम लोग। एग्रीकल्चरल कंट्री है ना हमारा देश, तो द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पेशन ऑफ इंडिया का आई कैपिटल आएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जब लिख के दिखाया ना ये ऐसे, तो उन लोगों ने आई स्मॉल लिखा था, तो आई कभी भी नाउन का जो भी फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही होगा। ठीक है, और इंडिया स्मॉल नहीं लिखना है तुम लोग को, आई कैपिटल ही लिखना है। इंडिया, इंडिया, द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर, एग्री कल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर मीन्स खेती। ओके, फार्मिंग। वी आर मोस्ट एंशियंट यानी प्राचीन। ओके, एंड
सिविलाइज्ड कंट्री, सिविलाइज्ड कंट्री। यानी हम लोग बहुत ही डिसेंट लोग हैं, बहुत ही पोलाइट लोग हैं, ओके। ऐसे एग्रेसिव वगैरह ऐसे नहीं है, हम लोग बहुत ही डिसेंट है, ओके। हमारा जो देश है वो बहुत ही डिसेंट है, हम लोग जो है बहुत ही डिसेंट है। नाउ नेक्स्ट, इट इज, हर बार इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो मैंने जैसे कि तुम लोगों को कहा था, इट इज मीन्स इंडिया इज, इट इज फेमस फॉर FAMOUS, फेमस यानी प्रसिद्ध, फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल हेरिटेजेस, हिस्टोरिकल हेरिटेजेस, HERITAGES, हेरिटेजेस मीन्स वारसा, ओके। यानी ऐतिहासिक विरासत बोलते हैं ना, हेरिटेजेस मीन्स विरासत में मिला हुआ, वारसा बोलते हैं उसको, ओके। तो इट इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल हेरिटेजेस एंड मॉन्यूमेंट्स। देखो भाई, मैं है ना आपको जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं तुम लोग को इजीली लिख के दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग को और अच्छा तुम लोग लिख सकते हो तो वैसे लिखना। मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, ओके। फुल स्टॉप देना भूलना मत, ओके। फिर इंडिया इज, इंडिया इज सेक्युलर, सेक्युलर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी DEMOCRACY, ओके। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, दिस मीन्स जितने भी रिलीजियंस हैं ना हमारे देश में, सबको इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है ना। अभी जातिवाद नहीं होता है, कास्ट के हिसाब से किसी के साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उसके धर्म के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, सबको इक्वल राइट्स है, इक्वली ट्रीट है, इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसे ही कहते हैं डेमोक्रेसी, ओके। और सब अधिकार सबको इक्वली दिया गया है, ये तुम लोग लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं लिख के दे देती हूँ तुम लोग को, लेकिन तुम लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। तो दिस मीन्स, अगर तुम लोग को ज़्यादा डिटेल लिखना है तो लिखो तुम लोग, दिस मीन्स दैट All religions, RELIGIONS, all religions are equally, EQUALLY, equally respected, RESPECTED, respected and every person, हर एक व्यक्ति को, is free to follow any religion they want, we live together harmoniously, HAR। कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस हम लोग को आधा ही मैंने लिखा भी तो मैंने यहाँ पे डैश किया, इसका मतलब ये है कि ये ही मैंने आगे कंटिन्यू किया हुआ है, ओके। ये जानबूझ के मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ, तो
हारमोनियसली, हारमोनियसली में सब आ गया, ओके। सब त्यौहार वगैरह हम लोग कैसे मिलजुल कर मनाते हैं वो सब इसमें आ जाता है। तो ज़्यादा डिटेल लिखने से अच्छा हम लोग इतना लिख देते हैं तो उसमें सब कवर हो गया, ओके। क्योंकि बहुत बड़ा भी हो सकता है ना ऐसे ये। सो वी लिव टुगेदर हारमोनियसली, इंडिया हैज मोस्ट यूथफुल पॉपुलेशन, इंडिया हैज मोस्ट यूथफुल पॉपुलेशन। हमारे सारी दुनिया में, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके लिए इंडिया हैज मोस्ट यूथफुल पॉपुलेशन, ओके। इसके बाद इट इज मीन्स इंडिया इज अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री, डेवलपमेंट कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ओके। सो इंडिया हैज मोस्ट यूथफुल पॉपुलेशन, इट हैज अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री, फुल स्टॉप। अभी हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली। ये भी लिखना जरूरी है तुम लोग को। न्यू दिल्ली इज दी कैपिटल ऑफ इंडिया, इट हैज एस्टाउंडिंग फ्यूचर्स, ASTOUNDING, astounding features, FEATURES, astounding मतलब अद्भुत, ओके। आश्चर्यजनक फीचर्स, फीचर्स मीन्स विशेषताएं, उसमें बहुत सारी अद्भुत विशेषताएं हैं हमारे देश में, जैसे कि हिमालय है ना, कश्मीर है जिसको स्वर्ग कहते हैं, है ना। तो ऐसे नदियां हैं हर कोई, बहुत सारी, गंगा उसमें की मेन नदी है, ओके। तो इट हैज एस्टाउंडिंग फीचर्स, इट हैज एस्टाउंडिंग फीचर्स विद दी हिमालयास, हिमालय पर्वत मालूम है ना तुम लोग को, हिमालयास ऑन दी, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके, ऑन दी नॉर्दर्न बॉर्डर, NOR बॉर्डर एंड गैंग्स फ्लोइंग इन दी कंट्री, नदियां बहती है कंट्री, ओके। इंडिया हैज अभी कितने स्टेट्स है और कितने यूनियन टेरिटरीज है, ओके, 29 स्टेट्स, क्योंकि अभी मिजोरम है 29th वाला स्टेट्स, ओके। तो 29 स्टेट्स एंड
8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज, टी ई आर आर आई टी ओ आर आई ई एस मीन्स 29 स्टेट्स राज्य एंड 8 यूनियन टेरिटरीज मीन्स प्रदेश. ओके, अवर कंट्री गॉट, अभी हमारा इंडिया जो था वो ब्रिटिश लोगों के अंडर में था, है ना, वो लोग घुस रहे थे हमारे देश में और राज कर रहे थे, तो उससे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला. ये थोड़ा पॉइंट अगर हम लोग मेंशन करेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ओके, अवर कंट्री गॉट इन डिपेंडेंस इन आई एन डी ई डी पी ई एन पेन डी ई एन सी ई डिपेंडेंस. ओके, स्पेलिंग्स अगर याद नहीं होगा ना तो उसको तोड़ तोड़ के याद करो तो अपने आप याद हो जाएगा. इन डी पेन डेंस. ओके, तो इनडिपेंडेंस एक साथ लिख सकोगे तुम लोग आसानी से. ओके, फ्री एडवाइस ऑन कभी वादा, कितनी बार हम लोगों ने जीके में ये सवाल लिया है क्या नहीं, करेक्ट. 15th अगस्त, अगस्त का ए कैपिटल आएगा. 15th अगस्त कौन सा साल था वो, यस 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 हम लोग आज़ाद हो गए थे. हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते. ओके, चलेगा. We have glorious history. History, H-I-S-T-O-R-Y. Indian dance and music are popular all across the वर्ल्ड. अभी हमारे इंडियन म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत जो भी है वो दुनिया में तुम लोग कहीं भी नहीं मिलेगा सीखने के लिए, और डांस जितने भी है हमारे देश में वो सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी तुम लोग को. ठीक है, तो शॉर्टली हम लोगों ने एक ही लाइन में सब कवर कर लिया है. ओके, तो बहुत ही पॉपुलर है और हमारी इंडियन की हिस्ट्री जो बहुत ही ग्लोरियस. ओके, इंडिया हैज़ lots of beautiful 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 landscapes ये सब ज्योग्राफी में हो गया है तुम लोग को. ओके, टू एंजॉय एंड विजिट, टू enjoy and visit. वैसे तो इंडिया में विजिट करने जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट लोग आकर यहाँ पे विजिट करते हैं. जितने ज़्यादा टूरिस्ट हमारे इंडिया में आएंगे विजिट करेंगे उतना हमारे इंडिया का इनकम जो है ना वो बढ़ेगा. ओके,
तो इसके लिए हम लोग को हमारे देश को सुंदर रखना चाहिए। ताजमहल, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है तुम लोग को, है ना। ताजमहल इज वन ऑफ द, अजूबा कहते हैं ना, वन ऑफ द सेवन वंडर्स इन द वर्ल्ड। किसने बनाया था भाई ये ताजमहल? मैंने तुम लोग को जीके में ये सवाल पूछा हुआ है, तो तुम लोग मुझे कमेंट में इसका जवाब दोगे, ताजमहल किसने बनवाया था और किसके लिए बनवाया था, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ओके। तो इसने जो ताजमहल बनाया था उसमें असली डायमंड के हीरे लगाए हुए थे, कोहिनूर का जो हीरा था उसमें लगाया हुआ था, और बहुत ही बेमिसाल पूरा वो मार्बल का, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है ना तो एक बार जरूर जाके देखना, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो, ठीक है। तो उसे सेवन वंडर्स में एक माना जाता है, ओके, ताजमहल को सारी दुनिया में। वी हैव डेजर्ट्स, वी हैव डेजर्ट्स, डेजर्ट्स यानी रेत, राजस्थान है ना, रेतीला प्रदेश, ओके। वी हैव डेजर्ट्स, हमारे देश में रेतीले भी प्रदेश है, ओके। डेजर्टेड एरियाज, वायवंटी प्रदेश भी कहते हैं, रेतीला प्रदेश, रेतीली जगह भी है, एंड एट द सेम टाइम स्नो फॉलिंग, स्नो फॉलिंग इन सिक्किम, रेतीले प्रदेश भी है और ऐसे भी जगह है जहां पर बर्फ गिरता है, ओके। एक एग्जांपल दिया है सिक्किम, इट इज डाइवर्स नेशन, बहुत ही अलग और विविधता से भरा हुआ ये देश है हमारा देश, इट इज डाइवर्स, बराबर है ना, यस, नेशन विथ लॉट्स ऑफ lots of love and affection, with each, oh, with each other, आपस में बहुत ही प्यार और अफेक्शन के साथ लोग यहाँ पर रहते हैं, ओके। आई लव माई कंट्री वेरी मच, आई लव माई कंट्री वेरी मच, ओके। आई एम एंड लिखते, ठीक है, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे बहुत अभिमान है कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, ओके। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने शॉर्ट में ये ऐसे लिखकर मैंने आपको बताया है, ओके। इसके अलावा तुम लोगों को और कुछ ऐड करना है, जैसे कि हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, और फिर जो भी तुम लोगों को नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, ये भी अगर तुम लोग को ऐड करना है तो तुम लोग उसको ऐड करके लिख सकते हैं। इसे को तुम लोग को बढ़ाना है तो तुम लोग बढ़ा सकते
है। ओके तो अब एक बार मैं फिर से तुम लोग को रीड करके दिखाती हूँ ये पूरा ऐसे। ओके और तुम लोग भी चेक कर लेना कि तुम लोगों ने लिखा है वो बराबर है कि नहीं। ओके इंग्लिश ऐसे, माय कंट्री, इंडिया इज़ माय कंट्री, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिक कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर। वी आर मोस्ट एंशियंट एंड सिविलाइज्ड कंट्री। इट इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल हेरिटेजेस एंड मॉन्यूमेंट्स। इंडिया इज सिक्युलर डेमोक्रेसी। दिस मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड एवरी पर्सन इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन दे वॉन्ट। वी लिव टूगेदर हारमोनियसली। इंडिया हैज़ मोस्ट यूथफुल पॉपुलेशन। इट इज़ अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट हैज़ एस्टाउंडिंग फीचर्स विथ द हिमालयाज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर एंड गैंग्स फ्लोइंग इन कंट्री। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वी हैव ग्लोरियस हिस्ट्री। इंडियन डांस एंड म्यूजिक आर पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स टू एन्जॉय एंड विजिट। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। वी हैव डेजर्टेड एरियाज एंड एट द सेम टाइम स्नो फॉलिंग इन सिक्किम। इट इज डाइवर्स नेशन विथ लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन विथ ईच अदर। आई लव माई कंट्री वेरी मच एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके तो तुम लोग और इसमें ऐड कर सकते हो जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा है। ओके तो लाइक जरूर देना मेरे इस वीडियो को और फ्री है मेरा चैनल, जैसे ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो। ओके तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।